कक्षा 12 बच्चे ध्यान देंगे, अभी तक मैंने आप लोग को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की जो पवन द्वितीया है उसके 7 पद पढ़ा दिए हैं। आज आप लोग को 8वां पद पढ़ाऊंगा, ध्यान देंगे। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्रांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुकित करना, तप्त भूतांगना को। यहाँ पर राधिका पवन से कहती है कि हे पवन, तुम्हारे मार्ग में जाते वक्त अगर तुम्हें कृषक ललना किसान की पत्नी और खेतों में काम करते हुए और दुखी अवस्था में दिखलाई दे, हे पवन, तुम्हारे मार्ग में किसान की कोई पत्नी खेतों में काम करते हुए और दुखी अवस्था में दिखलाई दे, तो धीरे धीरे प्रस उसकी क्रांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे उसके पास जा कर के उसके दुखों को दूर करना। तो हे पवन, तो धीरे धीरे उसके पास जा कर के उसके दुखों को दूर करना। अजाता कोई जलद यदि व्योम में, तो उसे ला। अगर उस वक्त आकाश में कोई बादल उड़ता जाता हुआ दिखलाई दे, तो छाया द्वारा सुकित करना, तप्त भूतांगना को। भूतांगना मतलब गर्मियों से व्याकुल उस स्त्री को, तुम उस बादल की छाया के द्वारा सुख प्रदान करने की कोशिश करना। हे पवन, उस गर्मियों के व्याकुल या गर्मियों से जली हुई स्त्री को तुम उस बादल की छाया द्वारा सुख प्रदान करने की कोशिश करना। एक बार फिर देखिए, यहाँ पर राधिका पवन से कहती है कि हे पवन, तुम जिस मार्ग से जा रहे हो उस मार्ग पर किसान की कोई पत्नी खेतों में काम करते हुए और क्रांतिमय दुखी अवस्था में दिखलाई दे, तो धीरे धीरे तुम उसके पास जाना और पास जाकर के उसके दुखों को दूर करने का प्रयास करना। अजाता कोई जलद, आकाश में उस वक्त कोई बादल का टुकड़ा उड़ करके जाता हुआ दिखलाई दे, तो उस गर्मियों की गर्मी से व्याकुल उस स्त्री को, बादल की छाया के द्वारा सुख प्रदान करने की कोशिश करना। आगे चलेंगे हम। जाते जाते पहुंच मधुरा धाम में उत्सुकता, न्यारी शोभा वर नगर की देखना, मुग्ध होना तू होवे की चकित, लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। यहाँ पर राधिका पवन से कहती है कि हे पवन, तुम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे और तुम धीरे धीरे मथुरा पहुँच जाओगे, और जब मथुरा पहुँचोगे तो पहुँच करके अगर तुम्हारा मन इच्छा हो, अगर तुम्हारे मन को सुखता हो कि मथुरा के मंदिरों को देखना चाहते हो, तो न्यारी सुबावर नगर की देखना मुग्ध होना, तुम अवश्य उस नगर की सुंदरता को देखना और देख कर मुग्ध भी होना। हे पवन, जाते जाते तुम्हारे मार्ग में मथुरा का धाम पड़े, अगर तुम्हारा मन उत्सुक हो कि मैं मथुरा की सुंदरता को देखूं, तो तुम अवश्य उस नगर की सुंदरता को देखना और देख करके उसके ऊपर मोहित होना। तू होवे की चकित, लग के मेरु से मंदिरों को, तुम वहाँ के सुमेरु पर्वत से ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। तुम मथुरा के सुमेरु पर्वत से ऊंचे ऊंचे मंदिरों की सुंदरता को देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और उन मंदिरों के ऊपर जो कलश रखे गए हैं
जो मंदिरों के ऊपर जो कलश रखे गए हैं, उस कलश की जो चमक है वह तुम्हें अर्क मतलब सूर्य होता है, तो एक दूसरे की सूर्य के समान आभा वाले रूप में दिखलाई देंगे। उन मंदिरों के ऊपर जो कलश रखे गए हैं वे कलश तुम्हें दूसरे सूर्य की भांति चमकते हुए दिखलाई देंगे। इस बात देखिएगा, हे पवन, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगी, जब तुम मथुरा धाम पहुँचोगी, अगर तुम्हारी उत्सुकता या इच्छा हो कि मैं मथुरा नगर के देखूं, तुम अवश्य उस मथुरा नगर की सुंदरता को देखना और देख करके उसके ऊपर मुग्ध होना। तुम वहाँ के सुमेरु पर्वत से भी ऊँचे ऊँचे मंदिरों की सुंदरता देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगी। और उन मंदिरों के ऊपर जो कलश रखे गए हैं वे कलश तुम्हें देखने में ऐसे लगेंगे जैसे कि कोई दूसरा सूर्य उन मंदिरों के ऊपर चमकता हुआ दिखलाई दे रहा है। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्य मधुस्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंवा लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर राव से मुग्ध हो बजाना। यहाँ राधिका पवन से कहती है कि हे पवन, अगर तुम मथुरा के पूजा पाठ को देखना चाहती हो तो तुम्हें मथुरा के मंदिरों के बीचों बीच जाना होगा। हे पवन, अगर तुम मथुरा के पूजा पाठ को देखना चाहती हो तो मथुरा के मंदिरों के बीचों बीच जाना होगा। अनाना वाद्य मधुर स्वर की मुग्धता को बहाना, और तुम अपनी मधुर हवाओं से वहाँ रखे गए जो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, तुम अपनी मधुर हवाओं से वहाँ रखे गए जो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र हैं उनके स्वर की मुग्धता को बढ़ाने का कार्य करना, उनके स्वर की मुग्धता को बढ़ाने का कार्य करना। अक्वा लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों के, और सुंदर और जो शब्दकारी फल हैं वहाँ स्थित जो सुंदर और शब्दकारी फल हैं उन फलों के स्वाद को लेकर के, सुंदर और जो शब्दकारी फल रूपी जो वृक्ष हैं उन वृक्षों के फलों के स्वाद को लेकर के धीरे धीरे मधुर स्वर में उस वाद्य यंत्रों पर मुग्ध होकर के तुम धीरे धीरे उस वाद्य यंत्रों को बजाने लगना। धीरे धीरे मधुर स्वर में उन वाद्य यंत्रों को मुग्ध होकर के तुम उन्हें बजाने लगना। फिर से पूरा देख लीजिए, यहाँ पर राधिका पवन से कहती है कि हे पवन, अगर तुम्हें मथुरा के मंदिरों के पूजा पाठ को देखना है तो तुम्हें मंदिरों के बीचों बीच जाना होगा, और वहाँ पर रखे हुए जो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र हैं उन वाद्य यंत्रों को अपनी मधुर हवाओं से उनकी मुक्तता को बढ़ाने का कार्य करना, और वहाँ के जो सुंदर और जो शब्दकारी वृक्षों के जो फल हैं उन फलों के स्वाद को लेकर के धीरे धीरे मधुर स्वर में उनके ऊपर मुग्ध होकर के उन वाद्य यंत्रों को तुम बजाने लगना। आगे देखिएगा, तू देखेगी जलत तन को जो वहीं तदकता हो, होंगे लोने नैन उनके ज्योति उत्तलकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। यहाँ देखिएगा, तू देखेगी
यहाँ पर राधिका पवन से कहती है कि तू देखेगी जलत तन की जो वही तड़कता हो, तुम जैसे ही हे पवन, तुम जैसे ही श्री कृष्ण के महल के पास पहुँचोगी तो तुम्हें बादल के रंग वाले, तुम्हें बादल के जलत तन मत बादल के रंग वाले श्री कृष्ण जी अपने द्वार पर दृढ़तापूर्वक खड़े हुए दिखलाई देंगे। तुम देख बादल के रंग वाले श्री कृष्ण जी दृढ़ता के साथ अपने द्वार पर खड़े हुए दिखलाई देंगे। होंगे लोने ने उनके ज्योति युक्त काली, उनकी जो लाल लाल आँखें होंगी, उनकी जो लाल लाल आँखें होंगी, उन आँखों से ज्योति युक्त काली एक अलौकिक प्रकाश निकलता हुआ दिखलाई देगा, या ज्योति उत्तीर्कारी, ज्योति उत्तीर्कारी का मतलब होता है कांति को बिखेरने वाली, ज्योति उत्तीर्कारी मतलब एक कांति को बिखेरने वाली दिखलाई देंगी। जो उनकी लाल लाल आंखें होंगी वह देखने में ऐसी लगेंगी जैसे कि वह एक चमक को बिखेर या कांति को बिखेरती हुई मालूम हो रही हैं। मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति से समता, उनका जो खड़े होने का जो तरीका होगा, जो उनका पूरा शरीर होगा, उस पूरे शरीर में एक मूर्ति के समान में सुंदरता दिखलाई देगी। जो जब खड़े होने का तरीका है और उनका जो पूरा शरीर है, उस पूरे शरीर में एक मूर्ति के समान सुंदरता तुम्हें दिखलाई देंगी। और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा के, और उनके जो सीधे साधे सरल वचन होंगे वह तुम्हें अमृत से सने हुए मालूम होंगे। उनके सीधे साधे जो वचन होंगे वह तुम्हें अमृत से सने हुए मालूम होंगे। फिर देखिएगा, हे पवन, जैसे ही तुम श्री कृष्ण के धाम पर पहुंचोगी, तुम्हें श्री कृष्ण अपने धाम पर बादल के रंग वाले श्री कृष्ण दृढ़ता के साथ अपने द्वार पर ही खड़े हुए तुम्हें दिखलाई देंगे। और उनकी जो लाल लाल आँखें होंगी वह हमें देखने में ऐसी लगेंगी जैसे कि वह एक कांति को चारों तरफ बिखेर रही हैं। और उनकी जो खड़ा होने का तरीका होगा, और खड़े तरीके में जो उनका शरीर होगा, उस पूरे शरीर में एक मूर्ति के समान तुम्हें सुंदरता दिखलाई देंगी। और उनके जो सीधे साधे वचन होंगे वे सारे वचन उन्हें अमृत से सने हुए मालूम होंगे। आज के लिए आखिर देखिए आप लोग, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रवाह है। यहाँ पर राधिका पवन से कहती हैं, हे पवन, जो श्री कृष्ण का जो पूरा शरीर गात्मतव शरीर होता है, जो श्री कृष्ण का पूरा शरीर है, वह तुम्हें नीले खिले हुए कमल के समान दिखलाई देगा। हे पवन, जो श्री कृष्ण का पूरा शरीर है, वह एक नीले हुए खिले हुए कमल के फूल के समान दिखलाई देगा। अब पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, और वे अपने शरीर पर पीले रंग का, या अपने कमर में पीले रंग का एक सुंदर सा वस्त्र, ढीला ढाला वस्त्र पहनते हैं। अपने कमर पर एक पीले रंग का, या ऐसे कह सकते हैं कि अपने शरीर पर पीले रंग का वस्त्र धारण किए होंगे और कमर में एक ढीला ढाला वस्त्र पहने होंगे। छोटी काली अलक मुख की कांति को हराती, जो उनके छूटे हुए बाल हैं, जो छूटे हुए काले काले बाल हैं, वे उनके मुख पर पड़ करके उनकी मुख की सुंदरता को या मुख की चमक को और अधिक बढ़ाते होंगे। कि छूटे हुए जो काले काले बाल हैं, जब वह उनके मुख पर आते हैं तो उनकी मुख की कांति को और अधिक बढ़ा देते हैं।
असद वस्त्रों में नवलतन की फूटती सी प्रभा है। उनकी सुंदर वस्त्रों के बीचों बीच से जो उनका सुंदर शरीर है वह देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि सूर्य की पहली पहली किरण चमकती हुई हमें दिखलाई दे रही है। कि सुंदर वस्त्रों के बीचों बीच से जो उनका उनके सुंदर वस्त्रों के बीच से उनका जो सुंदर शरीर है वह देखने में ऐसा लगेगा जैसे सुबह की पहली पहली किरण चमकती हुई हमें दिखलाई दे रही है। फिर एक बार देखिएगा, यहाँ पर राधिका पवन से कहती है कि हे पवन, जो श्री कृष्ण का पूरा शरीर है वह तुम्हें नीले रंग के खिले हुए कमल के फूल के समान दिखलाई देगा और उन्होंने अपने शरीर पर एक पीले वस्त्र रंग का वस्त्र धारण किया होगा और अपने कमर में भी एक ढीला ढाला एक सुंदर सा वस्त्र धारण किए हुए हैं। जब उनके जो काले काले बाल हैं जब बिखर करके जब उनके मुख पर आते हैं तो उनके मुख की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देते हैं और उनके सुंदर वस्त्रों के बीचों बीच से जो उनका सुंदर शरीर है वह ऐसा चमकता हुआ दिखलाई देगा जैसे कि सुबह सुबह सूर्य की पहली पहली किरण चमकते हुए हमें दिखलाई दे रही है। हाँ, ध्यान देंगे आप लोग, आज के लिए इतना ही है। आज कुल 5 पद मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, पीछे आप लोग को मैंने 7 पद पढ़ाए थे और आज 5 पद और पढ़ा दिए गए हैं, कुल मिलाकर के 12 पद हो चुके हैं। समय पहले ही बताता गया हूँ कि आप लोग इन सारे पदों की एक कॉपी पर नोट करते चलेंगे, जैसे जैसे मैं पढ़ाता चल रहा हूँ वैसे अगर आप नोट करते चलेंगे तो आगे आपको कोई असुविधा नहीं होगी, इसलिए इस बात विशेष ध्यान देंगे।